ठीक अरे मेरे छोड़ जाते हो और इधर लाइव पूरा जा रहा कोई दिक्कत नहीं आती तो ऐसा लग रहा ऑडिटोरियम में है इधर है टैग तो नहीं लग रहा ऑडिटोरियम में है ठीक है भैया एक नंबर हेलो जी भाई कहाँ पर है जी 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 मैं हट हट जा अको ये शहर के लाडले जो साहित्यकार है कांग्रेस के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है उनको किस कागजात कर रहे हैं आज बहुत ही श्रद्धेय बहुत ही आदरणीय विकास वर्मा जी का जयंती है और ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के एक धरोहर और पुरोहित थे जिसने गीतकार संगीतकार और लेखक के स्वर गुण संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने बिलासपुर और क्षेत्र के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है और इंदिरा जी के साथ इन्होंने अपना काम करते हुए
कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक नए आवाम देने के काम इस महान हस्ती ने किया है। उसके जन्मतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेसजन महापौर जी हैं तिलक लगा करते हैं और सभी कांग्रेसजन यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको श्रद्धांजलि देकर अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको यह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। महापौर जी कपू भैया साहब आज शहर के राज्य भूमिका रही है इंदिरा जी के बाद उन्होंने काम किया है बहुत ही सम्मानीय आदरणीय स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा जी हमारे पिता तुल्य रहे हैं और बिलासपुर को उन्होंने जो दिया है उसको हम अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा लेखक और एक अच्छा कवि और एक अच्छा राजनीतिक कूटनीतिक आदरणीय श्रीकांत वर्मा जी जहाँ पर हम खड़े हैं इसी मोहल्ले में वो जन्म लिए थे और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा लेने के बाद वो दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद जो हमारा बिलासपुर का नाम रोशन उन्होंने पूरे देश में किया उनके नाम से बिलासपुर शहर को जाना जाने लगा। वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बहुत ही निकट सलाहकार थे, लेखक थे और जितने भी उस जमाने में जो स्लोगन लिखा जाता था वो आदरणीय श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा ही लिखा जाता था। जो आखिरी समय इंदिरा गांधी जी जिस स्लोगन को बोली थी, मेरे खून का एक एक बूंद का कतरा इस देश का काम आएगा, वो उन्हीं का लिखा हुआ स्लोगन था और उनके परिवार के द्वारा लगातार उनके जाने के बाद भी जब आदरणीय वीणा वर्मा जी जी हमारे बिलासपुर शहर की जो विकास की दिशा में काम किए क्योंकि उन्होंने उनके जाने के बाद 2.5 साल का कार्यकाल उनका राज्यसभा सदस्य का था, उसके बाद दोबारा बने और उस 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 75% राज्यसभा का राशि बिलासपुर शहर में लगाया। जितने भी चाहे वो त्रिवेणी भवन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे तिलक नगर स्कूल हो, चाहे राजेंद्र नगर स्कूल हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, जितने भी बने हैं वो आदरणीय वीणा वर्मा जी की देन है जिसका हम हरवासी उसका आज सदुपयोग कर रहे हैं। आदरणीय स्पीच पे मैं नाम लेना चाहूँगा स्वर्गीय राम बाबू सोनसरिया जी का, जो उनके बाल सखा थे, उन्होंने उनके पिताजी के नाम से राजकिशोर नगर बसाया। BDA का कल्पना उनकी थी और BDA के द्वारा राजकिशोर नगर, BDA यदनंदन नगर, इतने सारे कॉलोनी बने जो आज इस शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को मैं चरण वंदन करते हुए नमन करता हूँ। सब ऊपर चल दे बंटी आजा।
जगह बदल के इंटरव्यू हो गया ना, इंटरव्यू के बाद जगह जी ठीक है, स्टार्ट हो गई है। हेलो जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
हेलो जी ये लैंडस्केप में ही रखा हूँ मैं जी पोर्ट्रेट में जी Thank you.